नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। बीकानेर क्षेत्र के दंतौर व बकड़ा आबादी के बीच में बनी नहर बीएलडी के चक 18 बीएलडी बी में बने खाले की हालत हुई जर्जर। करीब 1600 फुट टूटा हुआ है। सिंचाई विभाग को बार बार सूचित किया गया, फिर भी नहीं निकला कोई समाधान। इस चक के टेलों तक पानी पहुँचते उससे पहले ही खाड़ा पीछे से टूट जाता है। इस खाड़े पर बनी हुए जो शाखाएं हैं उन पर फट्टी तक नहीं लगी है, जिससे पानी अनावश्यक रिसाव होता रहता है, जिसके कारण किसान के खेत में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे उपज पर प्रभाव पड़ता है। किसान के खेत में पैदावार कम होती है, जिस कारण सब मिलकर भी खाड़े की मरम्मत नहीं करा पाते। पंचायत के माध्यम से खाड़ा बनता था, उस पर भी अंकुश लगा दिया गया। दो मुर्बे खाड़ा टूट जाने के बाद किसान टेल तक पानी कैसे ले जा सकता है, विचार करने वाली बात है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस प्रकार की समस्या का समाधान निकालकर किसानों की समस्या को दूर किया जा सके। प्रशासन द्वारा इस खाड़े का पुनः निर्माण करवाया जाए, जिससे किसानों की समस्या हल हो सके। तो सरपंच सुनाई बन करेंगे, सरपंच तो कई बन गया, तो चक्कल में भेला हो तो चक्कल भेला इकट्ठे हुए, तो पानी अब कितना दिन आने लग रहे हैं? पानी तो 90 दिन ना आवे। पीण आलो है कि लगाण आलो है? ये न सिथे बताओ भाई, अपना खाले की तो हालत खराब हो रखी है। काट मट्टी को हाल है, सरपंच जी को वोट ले लो आगे किया, बहुत अपने पास कर लाए गए, अब घर बना लाए गए। और कुछ नहीं, वो खालो हमेशा कच्चो ही है कि यहीं ईंटों को नहीं? आज 25 साल हो गया और ठेठ नहीं कच्चो ही है के और डाट को नहीं है? डाट की सबीर जी किया, अर्जुन सिंह ठेठ नहीं हो ही है क्या?